की है, कितने जिलों में किया है, कहाँ से आंकड़ा उपलब्ध कराया है, मुझे वो जानकारी है नहीं। मैं आपसे कहूँगा कि सर्वे रिपोर्ट मेरे सामने ना हम लोग रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद में उस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। उनसे पूछें। देखिए अभी ऐसी कोई मेरे पास में सूचना नहीं है। शराब माफियाओं के विरुद्ध में जो तीन महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो हम आपको अभी दे देते हैं। तीन बड़ी कार्रवाई हुई है अभी हाल के दिनों में जो हाँ जो हमने उसको रखा था, हमने सोचा था और प्रेस और सूचनाएं आ जाएंगी तो आपको दे देंगे। तीन अच्छी उपलब्धि हैं हमारे पास में, हम आपको अभी अवगत करा देंगे, प्रेस नोट में दे देंगे। पुलिस अभिरक्षा से फरार 12 को गिरफ्तार किया है, तो कुल फरार अभियुक्तों की संख्या कितनी है ये भी जानना चाहिए। वो मेरे पास में आंकड़ा नहीं है, लेकिन एसटीएफ की टीम को अलग अलग एरिया वाइज बांट करके अलग अलग एरिया दे करके उनको दिया गया है और मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही उस लिस्ट को समाप्त कर देंगे। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने की दिशा में हम लोगों का प्रयास हो रहा है। आपने देखा 10 वर्ष से फरार, 15 वर्ष से फरार, 2004 से फरार, ऐसे अपराधकर्मी जो पुलिस की फाइलों में फरार रह जाते हैं और उसके बाद में फिर लगातार कोई एफर्ट नहीं होता है। एक बार कुर्की जब्ती हो जाने के बाद में फिर लगातार एफर्ट नहीं होता है। एस ड्राइव जब होती है तब बहुत सारे अपराधकर्मियों की जिनकी कुर्की जब्ती हो गई है, जो सालों से गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके लिए अभियान चलता है। लेकिन ये एक फोकस अभियान है और बिल्कुल स्पेसिफिक अभियान है, जो पुलिस की कस्टडी से भागे उनके लिए फोकस अभियान है, जनरल अपराध कर्मियों के लिए नहीं है। इसके लिए हम लोग कार्रवाई करें और जैसा आपको बताया हम आपको सूची भी उपलब्ध करा देंगे और जिससे आप भी सूचनाएँ दें अपराध कर्मियों को। बहुत सारे अपराध कर्मी कई दिनों बाद वापस अपने घर पर आ जाते हैं, रहने लगते हैं, उसी क्रम में हम लोग सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। सर, एक गंभीर मामला पटना के पिबौर थाना का है, युवक की पिटाई की जाती है, वीडियो वायरल किया जाता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय कहती है कि पुलिस पक्ष आके एफआईआर करे तब कार्रवाई होगी, क्या ऐसा सही है? अगर किसी देखिए मैं आपके इस कहने पर मेरा कुछ कह पाना उचित नहीं है। मेरे पास में सारा तथ्य आएगा, मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर, नौबतपुर के सरासत में सर भीम राव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई है, सर उसके खिलाफ तोड़ने वाले की कोई कार्रवाई, किसी की गिरफ्तारी? मेरे पास में इसकी जानकारी नहीं है, जो आपने सूचना, मेरे पास में जानकारी नहीं। सर, नौबतपुर के सरासत में सर भीम राव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई है, सर उसके खिलाफ तोड़ने वाले की कोई कार्रवाई, किसी की गिरफ्तारी? मेरे पास में इसकी जानकारी नहीं है, जो आपने सूचना, मेरे पास में जानकारी नहीं। थैंक यू।